हेलो रुपैसी फाउंडर्स दोस्तों, अगर आप रुपैसी कंपनी के फाउंडर हो, आपके लिए वीडियो काफ़ी पॉइंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने ओमेल से अपने जीमेल के ऊपर मेल करेंगे और वापस अपने जीमेल से अपने ओमेल के ऊपर मेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी प्रोसेस रहेगा यहाँ पे बिल्कुल लाइव रहेगा, आपके सामने रहेगा और बिल्कुल ईजी वे में रहेगा, बिल्कुल आसानी तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर आपको ओमेल का यूज़ करने नहीं आता है, आपका जो ओमेल है आपको कैसे अपने ओमेल से मेल करना है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी पॉइंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी दोस्तों, आपको अपना ओई लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे आप अपना ओई लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आता है ओमेल का ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे आपके दो तीन आइकन दिख रहे होंगे, वहाँ पे एक ओमेल का, ओ ट्रिम का, ओ कनेक्ट का और साथ में ओमेल का, ठीक है, और ओ नेट का। तो वहाँ पे दोस्तों आपको जो ओमेल का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज खुल के आता है। ठीक है, अभी आपको मेल करना है, एक नया मेल करना है किसी को, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू मेल के ऊपर, जो प्लस वाला निशान है ना, प्लस न्यू मेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज खुल के आता है, नया पेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे टू लिखा है, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, और जिस पर्सन को आपने मेल करना है, ठीक है, उसका मेल आईडी चाहिए आपके पास, जीमेल आईडी चाहिए, या फिर उसका ओमेल आईडी चाहिए, या फिर उसका आउटलुक आईडी चाहिए, मतलब कि आपके पास एक आईडी होना चाहिए जिसके ऊपर आपको मेल करना है। अभी मैं कर रहा हूँ जीमेल के ऊपर। ठीक है, अगर आपके सामने वाले का ओमेल का आईडी है तो वो भी चलेगा। ठीक है, अभी मैं जीमेल के ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरा जो जीमेल का आईडी है ठीक है, एक बार सही से चेक कर लेना आपको कि आपने जो मेल आईडी लिखा है वो सही है या नहीं है। और नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ पे पीडीएफ फाइल का दिया ऑप्शन, सिग्नेचर का दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है, फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, या फिर आपको अपने सिग्नेचर सेंड करने हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से मेल करना है, ये चिन्ह दिया ना, इसके ऊपर आपको सेंड करना है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ईमेल सेंट, तो यहाँ पे मेरा जो मेल है यहाँ पे चला गया है मेरी जीमेल के ऊपर। और यहाँ पे मैं इनबॉक्स चेक करता हूँ, सेंड बॉक्स, ये देखो आप, मेरा जो मेल है यहाँ से चला गया है। ये देखो आप, ये मैंने टाइप किया था। ठीक है, और इस आईडी के ऊपर मैंने सेंड किया है जो मेरी जीमेल आईडी है। अभी मैं अपनी जीमेल आईडी ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आप, जस्ट अभी आया है 12:25 के ऊपर। अभी मेरे को वापिस इसको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं वापिस इसको रिप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैं अपने जीमेल से अपने ओमेल के ऊपर मेल कर रहा हूँ। ठीक है, वापिस रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम फाइन। ठीक है दोस्तों, अभी मैं दोबारा से इसको सेंड करता हूँ,
अपने ओमेल के ऊपर अपने जीमेल की आईडी से। अब ये जो मेरी ओपन है ये मेरी जीमेल की आईडी ओपन है, तो अपनी जीमेल की आईडी से अपनी ओमेल की आईडी के ऊपर मेल कर रहा हूँ। तो मैं अपना सेंट बॉक्स चेक करता हूँ एक बार, ये देखो आप यहाँ से चला गया मेल, ठीक है। अभी मेरे को चेक करना है अपना ओमेल का आईडी, अपने ओमेल आईडी का इनबॉक्स चेक करना है कि वहाँ पे मेरे को कोई मेल आया या नहीं आया। तो फ्रेंड्स देखो आप, मैंने अपने जीमेल से अपने ओमेल के ऊपर अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मेरे को जो अप्लाई है जस्ट विद इन सेकेंड आ गया यहाँ पे, देखो आप। देखो आप, मैंने वापस रिप्लाई किया था यहाँ पे, बिल्कुल इजी दोस्तों अगर आप यूज करते हैं तो। देखो आप जो मैंने टाइप किया था यहाँ पे आ गया, ये देखो आप। बाकी तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ओमेल का यूज़ करने नहीं आ रहा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वीडियो देख के आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। बाकी तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और अपने मेरे के चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।